हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर मैं आज के सेशन की बात करूँ तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन अपने, ठीक है, वो भी वेरिएबल के साथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर वाला पढ़ेंगे, वो भी वेरिएबल के साथ। इसके पहले मैंने आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे पार्ट करवा दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या दिखा था, सर्कल, स्क्वायर, ट्रेंगल, रेक्टेंगल, सिंगल रो, डबल रो, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सर्कल वाले वेरिएबल के साथ, ठीक है, फिर पढ़ा था हमने स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ। आज हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, वो भी वेरिएबल के साथ, ठीक है। एक एक करके हम सारे वेरिएबल वाले भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने पजल की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है, अभी आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इंग्लिश का ये रहा, ये आप लोगों को अभी एक पार्ट दिख रहा है, जब ये इतनी इन्फॉर्मेशन को हम नोट कर लेंगे उसके बाद हम अपने दूसरे पार्ट के इसी क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। ये आधा लिखा है मैंने क्वेश्चन, आधा इसके बाद लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। आर एट स्पोर्ट्स पर्सन है ये, ठीक है, आठ खिलाड़ी हैं। ईच ऑफ देम इज़ प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, ठीक है, सभी क्या है, अलग अलग गेम खेलते हैं। कौन कौन सी गेम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, चेस, बेसबॉल, बैडमिंटन और टेनिस। अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लूँगी क्रिकेट, ठीक है, फिर क्रिकेट के बाद फुटबॉल, फुटबॉल लिख लिया हमने, फुटबॉल के बाद गोल्फ, गोल्फ लिख लिया हमने, ठीक है, और क्या है, हॉकी, चेस, हॉकी, चेस, ठीक है, और क्या बोल रहा है, बेसबॉल, बैडमिंटन, ये बेस, ये बैडमिंटन, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा लिखते जा रहे हैं, और टेनिस, टी ई एन, ठीक है, ये हम लोगों ने गेम के लिख लिया, ठीक है। हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे स्पेलिंग, हम क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी लिखते जाएंगे, ठीक है, इससे भी हम अपना टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम आर सिटेड इन अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इन सभी को हम बैठा देते हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल में, ऐसे रेक्टेंगुलर टेबल हो गया, ठीक है, और ये बैठे कैसे, इन विच टू ऑफ देम आर सीटेड इन स्मॉलर साइड एंड सिक्स ऑफ देम आर सीटेड इन लॉन्गर साइड, मतलब तीन तीन ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, छह हो गए लंबी वाली साइड पे और ये दो आ गए छोटी वाली साइड पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ऑल द पर्सनस आर फेसिंग इनसाइड, सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, हमने बना लिया, सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आगे इतना हो गया, ऑल द पर्सनस आर फेसिंग इन साइड, ठीक है, इतना बना लिया, ये हमारी पहली साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस स्लाइड से हमने क्या देख लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख लिया। अब चलते हैं हमारे मेन जो इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ से मिलेगी, ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा दूसरा स्लाइड, क्या बोल रहा है, ए हु प्लेस गोल्फ, अब मुझे पता चल गया गोल्फ कौन खेलता है, तो गोल्फ खेलता है ए, मैंने गोल्फ के नीचे लिख लिया ए, ठीक है। सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब मुझे पता चला ए कहाँ है, थर्ड लेफ्ट पे है किसके, ई के, ठीक है, मैंने लिख लिया शॉर्ट फॉर्म पे। और क्या बोल रहा है, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं नोट कर लेती हूँ, जिससे मुझे बार बार क्वेश्चन की तरफ जाना ना पड़े, ठीक है। क्या बोल रहा है, द वन हु प्लेस बेसबॉल, अब जो बेसबॉल वाला है तो मैं लिख लूँगी जो बेसबॉल वाला है वो क्या है, क्या बोल रहा है, सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, अब वो क्या है, सेकेंड राइट पे है किसके, डी के, हमने लिख लिया सेकंड राइट पे है डी के, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डी हु प्लेस बैडमिंटन, अब मुझे बैडमिंटन का प्लेयर कौन है, डी, ये मुझे पता चल गया, मैंने लिख लिया डी, बैडमिंटन वाला कौन है, डी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, सीट सेकंड राइट ऑफ बी, अब जो ये डी है वो सेकंड राइट पे है किसके, बी के, ठीक है, हमने लिख लिया डी सेकेंड राइट पे है बी के। अब क्या बोल रहा है, हु कैन नॉट सीट एडजेसेंट टू ई, हु के पहले क्या दिया हुआ है, बी, मतलब यूज़ किसके लिए हो रहा है, ये बी के लिए, तो हम लिख लेंगे बी कहाँ है, ई के पास नहीं बैठा है, मतलब बी क्या है, नेबर नहीं है ई का, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, सी हु प्लेस फुटबॉल, अब फुटबॉल कौन खेलता है, सी, फुटबॉल का भी पता चल गया सी खेलता है, ठीक है, फुटबॉल। और क्या बोल रहा है, सिट्स बिटवीन प्लेयर्स ऑफ चेस और फुटबॉल, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर मान लो चेस है, ठीक है, और चेस और किसके बीच है, बेसबॉल, यहाँ पे मान लो बेसबॉल है, ठीक है, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, सी, ठीक है,
चेस और बेसबॉल के बीच में कौन बैठा हुआ है? चेस और बेसबॉल के बीच में बैठा हुआ है सी, ठीक है। और क्या बोल रहा है? जी इज़ अ टेनिस प्लेयर। अब मुझे पता चल गया टेनिस कौन खेलता है, जी, ठीक है। एंड सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। जी कहाँ बैठा हुआ है? एच की सेकेंड लेफ्ट पे, तो हम लिख लेंगे जी कहाँ है, सेकेंड लेफ्ट पे है, किसकी? एच की, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? हु इज़ अ क्रिकेटर। अब हु के पहले कौन लिखा हुआ है? एच, तो हु किसके लिए यूज़ हो गया? क्रिकेटर के लिए, ठीक। ए हु किसके लिए यूज़ हो गया? एच के लिए, ठीक है। अब एक लाइन और बची हमारी, क्या बोल रहा है? देखो ई हु सिट्स एट स्मॉलर साइड, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा। आप इस साइड लो या इस साइड लो, बात क्या है, एक ये तो मैंने कहाँ ले लिया, इस साइड पे मैंने ई को फिक्स कर लिया, ठीक है। ई कहाँ है? स्मॉलर साइड पे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। हमने क्या किया, पूरा इन्फॉर्मेशन को नोट करके रख लिया, ठीक है। अब हमें बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ई का देखो, अब ई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? बी नेबर नहीं है ई का, ठीक है। और ई के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? ए है। ई के थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट साइड इधर आ जाएगा, फेस अंदर है, तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, और तीसरे लेफ्ट पे कौन आ जाएगा? ए, तो हमने लिख लिया ए, ठीक है। ई के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया? ए। अब क्या बोल रहा है? देखो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई, ये वाली, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो चुकी है। मैं क्या करूँगी, इसे हटा देती हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? देखो बी नेबर नहीं है ई का, मतलब बी यहाँ नहीं आना, बी यहाँ नहीं आना, ठीक है। और बी के सेकेंड राइट पे कौन है? डी है, ठीक है। बी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो इसका सेकेंड राइट यहाँ पे, तो ई आ जाएगा, तो बी यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब बी कहाँ पे आएगा? अब मैं बी को मान लो यहाँ पे ले लूँ, तो बी के सेकेंड राइट पे डी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक ये प्लेस हो सकती है, ठीक है। अब बी यहाँ पे ले लूँ तो बी के सेकेंड राइट पे डी आएगा क्या? नहीं, यहाँ तो ए आ गया है, तो बी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। बी क्या होगा? बी यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब अगर ये तो डी और बी थे, ठीक, अगर बी को मैं यहाँ पे ले लूँ, अभी मैंने फिक्स नहीं किया था, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, बी और डी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और एक बार मैं क्या करूँगी, मान लो यहाँ पे मैंने एक बार बी ले लिया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लूँ तो क्या आ सकता है? बी, और यहाँ पे डी, मतलब यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लेके देख लेते हैं कि कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। बी यहाँ पे लिया मैंने और डी यहाँ पे लिया, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर लिया, ये बी और ये डी, ये ए हमारा पहले से फिक्स था, ठीक है। अब हम बी और डी को यहाँ पे बैठा के देखते हैं कि क्या इससे बन रहा है हमारा, ठीक है। बी और डी हो गया। अब बोल रहा था डी के सेकेंड राइट पे कौन है? बेसबॉल है, तो डी का ये सेकेंड राइट कौन आ जाएगा? ई, तो ई का क्या आ गया? बेसबॉल, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन यूज़ किया और ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब बोल रहा था देखो बेसबॉल के बाद सी और सी के बाद चेस, बेसबॉल ये रहा, ठीक है, बेसबॉल के बाद सी और सी के बाद चेस इधर आएगा क्या? नहीं, यहाँ तो डी बैठा, जबकि डी का क्या है? बैडमिंटन, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगी, देखो ये इन्फॉर्मेशन मेरी अलग है और ये इन्फॉर्मेशन मेरी अलग है, ठीक है। अब देखो बेसबॉल के बाद सी अगर यहाँ पे ले लूँ, सी के बाद क्या ले लूँगी? चेस, ठीक है। चेस किसका है? चेस अभी नहीं पता मुझे, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। एच के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? जी है, ठीक है। एच यहाँ पे लूँगी तो सेकेंड पे इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर ए बैठा है, इधर सी बैठा है, ठीक है, तो एच यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। एच कहाँ आएगा? एच यहाँ पे आ सकता है, यहाँ तो सी बैठा है। एच के लिए सेकेंड लेफ्ट पे जी, देखो कहीं भी जगह नहीं बन रही है। ये अगर मैं हटा दूँ, ये अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे डी बैठा हुआ है। अब H के सेकेंड लेफ्ट पे जी, मतलब दो प्लेस चाहिए मुझे। H यहाँ पे लूँगी तो G इधर, तो C आ गया, इधर सेकेंड लेफ्ट पे A आ गया, यहाँ पे नहीं आना। H के लिए और कौन सी प्लेस बची? एक ये बची, H के सेकेंड लेफ्ट पे, सॉरी यहाँ पे तो C बैठा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? C बैठा हुआ है, तो H के लिए ये दो ही प्लेस बची, तो ना इधर जी आएगा ना इधर जी आएगा, मतलब ये क्या हो गया हमारा डायग्राम, क्या हो गया ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये डायग्राम क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो इतना तो हमने बना लिया, इससे क्या आ गया हमारा डायग्राम गलत आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी और बी के लिए जो एक दूसरी प्लेस बची थी उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखो एक हमने क्या किया था, यहाँ पे बी नहीं आ रहा था, यहाँ पे बी नहीं आ रहा था, ठीक है, बी यहाँ पे भी हमारा भी गलत आ चुका था, ठीक है, बी यहाँ पे भी नहीं आना, बी के सेकेंड राइट पे डी चाहिए तो यहाँ पे भी नहीं आना, ठीक है, बी यहाँ पे भी नहीं आना, सेकेंड राइट पे डी चाहिए जबकि ए आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो बी के लिए कौन सी प्लेस बची? ये वाली, ठीक है, बी के लिए कौन सी प्लेस बची? ये वाली।
अब हम क्या करते हैं इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये ए आ गया, ये बी, ए और बी क्या हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो बी के सेकेंड हेड पे डी, तो अंदर की तरफ फेस है, तो राइट साइड इधर आ जाएगा, यहाँ पे कौन बैठ गया, डी, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन यूज़ हो गई, ये भी इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। डी के सेकेंड हेड पे बेसबॉल, मैंने यहाँ पे लिख लिया बेसबॉल, ये वाला क्या है, बेसबॉल है, ठीक है। और क्या बोल रहा था, बेसबॉल के बाद सी, तो सी इधर आ पाएगा क्या, नहीं, तो सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, सी के बाद कौन आ जाएगा, चेस, ठीक है। अब ये चारों इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो चुकी है, ठीक है। सी के बाद मुझे चेस लिखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यूज़ हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगी, इसे हटा दूँगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या आया था मेरा, चेस, ठीक है। अब एच के सेकेंड लेफ्ट पे जी आना है, ठीक है। तो एच सेकेंड लेफ्ट पे जी, मतलब ये दो ही प्लेस बची है, ठीक है। अगर एच यहाँ पर ले लूँ, अंदर की तरफ फेस है, तो इधर जी आएगा, नहीं, मतलब एच कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, ठीक है। एच का सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, जी, मतलब यहाँ पे कौन आ गया, जी, ठीक है। एच के सेकेंड लेफ्ट पे जी। अब ये क्या हुआ, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन से मैंने क्या किया, इसको लिख के रख लिया, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, मेरी फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, ए बी हो चुका है, सी डी हो चुका है, ई एफ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कौन आ गया, एफ़ आ गया, ठीक है। एफ़ पता चल गया, एफ़ क्या है मुझे, बेसबॉल है, बेसबॉल पे मैंने लिख लिया एफ़, ठीक है। हॉकी और चेस बचा, चेस आ गया ई, ठीक है। तो हॉकी कौन आ जाएगा, बी, ठीक है। बी बचा, तो हॉकी क्या आ गया, बी, मतलब ए गोल्फ, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन, ई चेस, एफ़ बेसबॉल, जी टेनिस, और एच क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिला था, दो पॉसिबिलिटी मिली थी, ए बी के लिए, ठीक है। बी के लिए एक यहाँ पे अरेंज हुआ है बी, और एक बार हमने यहाँ पे लेके देखा था, तो ये वाला डायग्राम क्या क्या था हमारा, गलत, क्योंकि वो क्या था, इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अगर बी को मैंने यहाँ पर लिया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को इसने क्या किया, सेटिस्फाई कर लिया, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। हमारी अरेंजमेंट जो हुई थी हमारी, वो बिल्कुल सही आ गई, तो ठीक है। ये क्या था, ये हमारा था आज रेक्टेंगुलर बेस्ड वेरिएबल वाली सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर में विथ वेरिएबल क्या थे, ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल वाले विथ वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद सिंगल लाइन बचेगा, उसके बाद डबल लाइन बचेगा, ठीक है। तो इस पर तीन पार्ट और लेके आऊँगी, तीन पार्ट के बाद हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कम्प्लीट हो चुका होगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट हमारा पूरा कम्प्लीट हो चुका होगा, उसके बाद हम किस तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने पज़ल की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपना पज़ल, ठीक है, पज़ल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पे एंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने समझाने की कोशिश की है, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचा होगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चलो सेशन को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।